वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने इस वॉइस कट कैसे गई ऐसे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स जो आज अपना घटना चक्र का तीसरा संस्करण है। इसमें तो थर्ड क्लास है आज करंट अफेयर्स की। कल तक हमने जो सेकंड लेक्चर में अपना क्लास यहाँ तक हमने कंप्लीट किया था कल, आज हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए एंड चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। उन्नत और कौशल आधारित शिक्षा अवसरों का मार्ग प्रशस्त करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय ने कितने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये दो विश्वविद्यालयों के साथ इसने जो हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ तक हमने किया था, एक मिनट देख लेता हूँ मैं, लास्ट सेशन हमने कहाँ तक किया था कंप्लीट। ओके, तो हमने जो लास्ट सेशन था आपका अपना, वो हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था और इसके आगे जो है आज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उत्सव उन्मेष कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है भोपाल, मध्य प्रदेश में। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसका उद्घाटन किया है। इस अवसर पर आयोजित उत्कर्ष का क्या था? तो इसका जो उत्कर्ष था वो था लोक और जनजातीय कला प्रदर्शन। SII पोर्टल किसके द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं एस जयशंकर प्रसाद ने। SII से क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य स्टडी इन इंडिया। राजमार्ग यात्रा ऐप शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा। और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1995 में, 1995 में। इसके जो वर्तमान चेयरमैन है वो है संतोष कुमार यादव। ये हो गया था। इसके बाद हमने जो है मानकीकरण और अनुरूपता मूल्यांकन में सहयोग बढ़ावा देने के लिए किसने देश भर के 35 प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए भारतीय मानक ब्यूरो ने। भारत के पहले एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्तरा का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया मुंबई महाराष्ट्र में। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है मैकडोनल्ड्स इंडिया पश्चिमी और दक्षिण के द्वारा की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। भारत ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितने मिलियन डॉलर दान दिया है? तो ये दिया है 1 मिलियन डॉलर। यूरोपीय संघ द्वारा अफगानिस्तान के लिए कितने लाख यूरो की मानवीय सहायता की घोषणा की गई है? ये की गई है 76 लाख यूरो की। यह सहायता किस कार्य हेतु प्रदान की गई है? यह सहायता जो है खाद्य असुरक्षा एवं आर्थिक संकट से निपटने तथा असिंचित भूमि में सिंचाई बहाल करने के लिए जो है उपलब्ध कराई गई है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब की गई थी? तो यूरोपीय संघ की जो स्थापना हुई है वो हुई है 1993 में, यानी कि मॉस्ट्रिच संधि के द्वारा। सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है जापान के साथ। किन दो देशों के बीच टेलिस्मा सेबर संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है उसका आयोजन किया गया? तो ये किया गया ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच। तीसरा, भारत, लाओस,
विदेश कार्यालय परामर्श एफओसी कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया वियन तियाने लाओस में। 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में। रूस ने कितने अफ्रीकी देशों को मुफ्त अनाज देने की घोषणा की है? तो ये किया 6 अफ्रीकी देशों को। ये 6 अफ्रीकी देश हैं बुर्किना फांसो, जिम्बाब्वे, माली, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, सोमालिया और इरिटेरिया। विश्व का सबसे बड़ा फार्मा फ्रॉस्ट वाटागाई का क्रेटर किस देश में अवस्थित है? तो रूस में। गर्मी के कारण पिघल रहा फार्मा फ्रॉस्ट वाटागाई का क्रेटर लगभग कितना लंबा है? तो ये 1 किलोमीटर लंबा है। 27 जुलाई 2023 को किस देश में राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू की घोषणा की गई? तो ये की गई है नाइजर में। 25 जुलाई 2023 को किस देश ने प्रकृति के बदले ऋण की अदला बदली पहल की शुरुआत की है? ये की है गैबोन ने। हाल ही में किस देश में सैनिक तख्ता पलट हुआ है? तो ये नाइजर में जो है सैनिक तख्ता पलट हुआ है हाल ही में। राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए एशियाई विकास बैंक से कितनी ऋण राशि का समझौता हुआ है? तो ये हुआ है 200 मिलियन डॉलर का। और इस ऋण समझौते पर किसके हस्ताक्षर किए गए? तो ये जो है बुमलो नमंग, वलुनाम्स और तोको ताकेवा कोनिसी के, इसके जो है साइन किए गए हैं। इसमें अजीब अजीब नाम है इन लोगों के। इस राशि का जो उपयोग है किसमें किया गया है? तो इसका उपयोग जो है जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों के विस्तार में किया गया है। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया निशा बिस्वाल को। ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। किन देशों ने जैव प्रौद्योगिकी और कृषि क्षेत्र में युवा शोधकर्ता और स्टार्टअप के द्विपक्षीय आदान प्रदान करने के लिए समझौता किया है? तो ये भारत और अर्जेंटीना। अमेरिकी न्याय विभाग ने किस नदी में फ्लोटिंग बैरियर की स्थापना को लेकर टेक्सास राज्य के गवर्नर पर मुकदमा दर्ज किया है? तो ये किया है रियो ग्रांडे नदी को लेके। रियो ग्रांडे नदी किन दो देशों के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो ये अमेरिका और मैक्सिको के बीच। किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विभाग को प्रतिबंधित कर दिया है? तो रूस ने। ऐसा करने वाला रूस राष्ट्र बना है, देश बना है ऐसा। और किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने के लिए आवेदन किया? तो ये किया अल्जीरिया ने। ब्रिक्स में शामिल कौन से देश जो हैं वो शामिल हैं? तो ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दक्षिण अफ्रीका। और हाल ही में 6 देशों को ब्रिक्स में सम्मिलित किया गया है। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में हुआ था आयोजित। ब्रिक्स का मुख्यालय शंघाई चीन में है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि IPCC का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये जिम स्किया को चुना गया जो कि यूनाइटेड किंगडम के हैं। स्किया। IPCC की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 को। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं जापान के साथ। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है मोक्षा राय, भारतीय मूल की हैं ये। मोक्षा राय की आयु कितनी है? 7 वर्ष। टाटा समूह ने कहाँ एक बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया यूनाइटेड किंगडम में। किस देश ने किंग चार्ल्स थर्ड के नाम पर पहला पासपोर्ट जारी किया है? तो ये ब्रिटेन ने। इस पासपोर्ट्स का शीर्षक क्या है? तो हिज मैजिस्टी इसका शीर्षक है। कितने भारतीय छात्रों ने ग्लोबल स्टूडेंट्स प्राइज 2023 के लिए 50 छात्रों की अल्पसूची में जगह बनाई है? तो ये 5 छात्रों ने बनाई है। इस पुरस्कार के लिए कितने देशों के छात्रों ने आवेदन किया था? तो लगभग 122 देशों के छात्रों ने इसमें आवेदन किया था। और इसके लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए थे? तो इसके लिए 3,851 आवेदन टोटल जो थे वो प्राप्त हुए थे। इस पुरस्कार की विजेता राशि कितनी है? तो लगभग 1 लाख US डॉलर इसकी जो है पुरस्कार राशि है। भारत ने किस श्रेणी के तहत द्विवार्षिक यानी कि 2024-25 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO परिषद के चुनावों के लिए उम्मीदवारी प्रत्याशी
प्रस्तुत किया गया है? तो उम्मीदवारी प्रस्तुत किया गया है श्रेणी बी के लिए। आईएमओ की श्रेणी बी में कितने देश उम्मीदवार हैं? तो 10 देश इसमें उम्मीदवार हैं। भारत आईएमओ का सदस्य कब बना था? तो ये भारत जो था 1959 में आईएमओ का सदस्य बना था। भारत और किस देश ने शांति स्थापना के लिए अकादमिक सहयोग हेतु एक विशिष्ट समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं अर्जेंटीना के साथ। किस देश ने 5 महीने बाद लोगों को फेसबुक, टेलीग्राम, टिकटॉक और यूट्यूब की अनुमति प्रदान की है? तो ये किया इथियोपिया ने। इन सभी सोशल मीडियाओं पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? 9 फरवरी 2023 को। यह प्रतिबंध क्यों लगाया गया था? इथियोपियाई ऑर्थोडॉक्स चर्च और सरकार के बीच तनाव के कारण। ऑस्ट्रेलिया के किस राज्य ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये ले लिया विक्टोरिया और ऑस्ट्रेलिया ने। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली औपचारिक चर्चा कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी। भारत और किस दक्षिण एशियाई राष्ट्र ने आर्थिक और वित्तीय वार्ता जो ईएफडी डायलॉग शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया इंडोनेशिया ने। भारत इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद ईएफडी डायलॉग्स किस G20 बैठक के मौके पर लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया था गुजरात में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के बीच। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते यानी कि सीपीटीपी में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए यूरोपीय देश का नाम बताइए। होने वाला जो यूरोपीय देश है वो है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम के व्यापार सचिव कौन है? तो यह है कैमी वेडनॉक ने किस देश में इस पर हस्ताक्षर किए? तो ये न्यूजीलैंड में। सीपीटीपीपी 11 देशों के बीच एक मुक्त व्यापार समझौता है एफटीए के तहत है। ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, वियतनाम इसमें सम्मिलित हैं। अबू धाबी में किस आईआईटी के पहले परिसर की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किए गए हैं आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली जो है अबू धाबी में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने जा रही है। यह समझौता ज्ञापन किनके मध्य किया गया है? तो ये किया गया शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और अबू धाबी शिक्षा एवं ज्ञान विभाग तथा आईआईटी दिल्ली के द्वारा। अबू धाबी किस देश में स्थित है? अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। भारत ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी कि यूपीए को संयुक्त अरब अमीरात के किस प्लेटफॉर्म से जोड़ने हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म पे। भारत ने किस देश के स्थानीय मुद्रा दिरहम एवं भारतीय मुद्रा रुपया में व्यापार करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत और मंगोलिया की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया? तो ये किया गया उलान बटोर, मंगोलिया में। इस अभ्यास का नाम क्या है? इस अभ्यास का नाम जो है नोमेडिक एलिफेंट 2023 है। भारत ने किस देश के साथ आर्थिक और वित्तीय संवाद शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया इंडोनेशिया के साथ। 12वीं मेकोंग गंगा सहयोग बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये किया भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर एवं लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री सेलुमैक्सी सोमासित संयुक्त रूप से। यह बैठक कहाँ संपन्न हुई? यह बैठक बैंकॉक, थाईलैंड में संपन्न हुई। मेकोंग गंगा सहयोग की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 2000 में। किन देशों ने मेकोंग गंगा सहयोग व्यापार परिषद गठित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है भारत और थाईलैंड ने, और साथ ही साथ म्यांमार, कंबोडिया, लाओ, पीडीआर एवं वियतनाम भी इसमें सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, यह परिषद किस मुद्दे से संबंधित है? तो यह परिषद जो है कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और जल संसाधन प्रबंधन से रिलेटिव है। किन देशों ने त्रिपक्षीय नौसैनिक मिसाइल रक्षा अभ्यास किया है? तो यह किया है अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने। यह अभ्यास कहाँ किया गया था? तो यह अभ्यास जो था वो दक्षिण कोरिया और जापान के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में किया गया था। किस देश ने संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले काला सागर अनाज समझौते को
नवीनीकृत करने से इनकार कर दिया है। तो ये इनकार किया रूस ने। काला सागर अनाज सौदा कब समाप्त हुआ था? तो ये हुआ 17 जुलाई 2023 को। भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को उपहार स्वरूप वियतनाम को सौंपा गया है? तो INS कृपाण को जो है सौंप दिया है, और ये सौंपा था भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। INS कृपाण का भारतीय नौसेना में कब कमीशन किया गया था? तो ये कमीशन किया गया वर्ष 1999 में, 1991। अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है एडमिरल लीसा फ्रेंचेटी। भारत ने किसके साथ नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए श्रीलंका के साथ। एक अन्य समझौता ज्ञापन श्रीलंका किस जिले की आर्थिक विकास परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षरित किया गया है? तो त्रिंकोमाली। किस देश ने ब्रिक्स समूह में शामिल होने और ब्रिक्स बैंक शेयर धारक सदस्य बनने के लिए आवेदन किया है? तो ये किया अल्जीरिया ने। नॉर्दर्न इंटरेक्शन संयुक्त समुद्री हवाई अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया जापान सागर में। इस अभ्यास में किन देशों ने भाग लिया है? तो रूस और चीन ने इसमें भाग लिया है। वीसी यशवंत घाटगे सनडाइल्स मेमोरियल्स का अनावरण कहाँ किया गया? ये किया गया मोंटन पेरुगिया इटली में। सनडाइल्स धूपघड़ी के रूप में इस मेमोरियल को किसके मतलब किनके सम्मान में स्थापित किया गया? तो ये किया गया द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले भारतीय वीर सैनिकों के सम्मान में। और इस स्मारक का जो आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है हम सभी एक ही सूर्य के नीचे रहते हैं। यह मुख्य स्मारक मुख्यतः श्रद्धांजलि अर्पित करता है विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित नाइस यशवंत घाटगे को। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में नायक यशवंत घाटगे किस टुकड़ी की तरफ से शहीद शामिल हुए थे? तो ये हुए थे महाराष्ट्र लाइट इन्फेंट्री की जो है टुकड़ी की तरफ से। फ्रेंड्स ऑफ ब्रिक्स बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये संपन्न हुई है जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किया है। हाल ही में किस देश ने भारत के तेजस मार्क फर्स्ट ए एवं हल्के प्रचंड हेलीकॉप्टर की खरीद हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए अर्जेंटीना ने। मालाबार अभ्यास का 27वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया सिडनी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अभ्यास कितने चरणों में आयोजित किया गया? तो ये किया गया 2 चरणों में। इस अभ्यास में किन देशों की सेनाओं नौसेनाओं ने भाग लिया है? तो भारत ऑस्ट्रेलिया और जापान और अमेरिका की नौसेनाओं ने इसमें भाग लिया है। पहला चरण बंदरगाह चरण 11 से 15 अगस्त 2023 को, दूसरा समुद्री चरण था 16 से 21 अगस्त 2023 को। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व जो था वो INS कोलकाता, फ्रिगेट INS सह्याद्री और P-8I समुद्री गश्ती विमान ने किया था। भारतीय तटरक्षक ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए हैं फिलीपी के साथ। वर्ष 2024 में राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा सामोआ। अगस्त 2023 में वर्नांडो अरेवेलो किस देश के राष्ट्रपति बने? तो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने हैं। वर्नांडो अरेवेला किस पार्टी से संबंधित हैं? तो ये प्रोग्रेसिव मूवीमेंटो सोमिला पार्टी से रिलेटेड है। ग्वाटेमाला की राजधानी का नाम क्या है? ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। ग्वाटेमाला की मुद्रा का नाम क्या है? तो ग्वाटेमाला कुवैत जल यहाँ की मुद्रा है। अगस्त 2023 में किस देश में हरिकेन हिलेरी नामक चक्रवात आया था? तो यह आया था कैलिफोर्निया में। किस वर्ष के बाद यह दक्षिण कैलिफोर्निया में आया पहला चक्रवात है? तो वर्ष 1939 के बाद से। यह किस तरह का चक्रवात है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश ने भारत के जन औषधि केंद्र का मॉडल का अनुकरण करने की मांग की है? तो इंडोनेशिया ने। श्रेता थॉपसिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया? तो ये चुना गया थाईलैंड का। थाईलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा का क्या नाम है? थाई बहत। भारत और बांग्लादेश के बीच 14वीं संयुक्त सीमा शुल्क JGC की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई नई दिल्ली में। भारत और आसियान देश किस वर्ष तक वस्तुओं के लिए अपने मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा पूर्ण करने पर सहमत हुए? तो ये हुए वर्ष 2025 तक।
यूक्रेन में संघर्ष के बारे में गलत जानकारी देने के लिए रूसी अदालत ने गूगल पर कितने मिलियन जो है रूबल का जुर्माना लगाया है? तो लगाया 3 मिलियन रूबल का। विश्व के किस देश ने वर्ष 2023 के अंत तक गोल्डन वीजा कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किया इंडोनेशिया ने। भारत के किस पड़ोसी देश ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है? तो ये किया बांग्लादेश ने। अमेरिका ने किन देशों से यूक्रेन को F-16 जो है लड़ाकू विमान भेजने की मंजूरी दी है? तो डेनमार्क और नीदरलैंड। कनाडा सरकार ने देश के किस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा की है? तो ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में। यह आपातकाल की घोषणा क्यों की गई है? जंगल की आग फैलने के कारण। चीन ने किस देश के निकट नौसेना और वायुसेना अभ्यास शुरू किया है? तो ये ताइवान के निकट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो हम यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल। तो आप लोग प्लीज़ इस सेशन को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमें मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ आप लोग सहयोग करें, धन्यवाद।